काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर ही बता दी कि रीवा में गोवंश भरा कंटेनर पकड़ा गया, जो में ठूस ठूस के गोवंश भरे गए रहे। बता दें कि तस्कर के चंगुल से छुड़ाए के गोवंश का चोरगढ़ी पंचायत के गौशाला में शिफ्ट करवावा गया है। बजरंग दल के द्वारा बता दी कि यह गोवंश का पकड़ा गया। तो मैंने क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल वहां पूछा अपना पंचे सभी जन इनका प्रणाम कही थे, शुरू कही थे बड़ी खबर से। बता दें कि रायपुर करछुलियान थाना क्षेत्र के जोगिनहाई टोल प्लाजा के पास बजरंग दल के कार्यकर्तन के द्वारा गोवंश से भरे ट्रक का पकड़ा गया। कार्यकर्तन के द्वारा देखा गया कि ट्रक में ठूस ठूस के क्रूरता पूर्ण तरीके से गोवंश भरे गए रहे और एक जानकारी बजरंग दल के कार्यकर्ता के द्वारा रायपुर करछुलियान पुलिस का सूचना देंगे। मौके में पहुंच के पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करके गोवंश से भरा ट्रक लेके रायपुर करछुलियान थाना पहुंची, जहां गोवंश का चोरगढ़ी पंचायत के गौशाला में रखवावा गया। वाहन मालिक और आरोपी के खिलाफ मुकदमा कायम हो गया है। बता दें कि गोवंश का रीवा जिला से प्रयागराज से हुई के बंगाल के खातिर ले जावा जात रहा। कार्यवाही में विहिप विभाग मनीष मिश्रा और जिला मंत्री धर्मेंद्र त्रिपाठी के मार्गदर्शन में बजरंग दल जिला सह संयोजक बालकृष्ण द्विवेदी के नेतृत्व में प्रखंड संयोजक अंकित पांडे, दयाशंकर सेन, एडवोकेट विवेक मिश्रा, मऊगंज जिला गौरक्षा प्रमुख रवि यादव सहित कई कार्यकर्तन की मुख्य भूमिका रही। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा स्थानीय थाना प्रभारी और स्टाफ के सक्रियता से मौके में पहुंच के सहयोग और गौशाला भिजवाने सहित मामला में पूरी तरीके से सहयोग के आभार व्यक्त किएगा। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार की बहुत ख्याल। दे इजाजत, प्रणाम। कल देर रात सूचना मिली कि कुछ पशु तस्कर कंटेनर से भरकर अवैध तरीके से गौवंशों को लेके परिवहन कर रहे हैं। देर रात कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों ने गाड़ी का पीछा किया और जुगनेही टोल प्लाजा के पास में हम लोगों ने गाड़ी को पकड़ा, जिसमें लगभग 30 से अधिक गौवंश उसमें कुर्ताबद्ध तरीके से बांधे थे और एक गौवंश मृत अवस्था में भी पाया गया है। हमने थाना प्रभारी सर को सूचना दी, मौके पर थाना प्रभारी महोदय और उनकी पूरा स्टाफ वहाँ पर पहुँच कर मामले का निरीक्षण किया हम लोगों। उसके बाद चोरगढ़ी गौशाला में गौवंशों को लेके गए और वहाँ पर उन गौवंशों को शिफ्ट करा दिया है। गौवाहन तस्कर तो गाड़ी से भाग गए हैं मौके पर, लेकिन गौवाहन मालिक पर FIR दर्ज की गई है और गाड़ी को भी जब्त किया गया है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल रायपुर कचुआन, पंडित बालकृष्ण द्विवेदी।